आशीष सहेली की रिपोर्ट। प्रदेश और केंद्र सरकारों ने गायों के संरक्षण को लेकर तमाम वादे किए थे, लेकिन वादे जमीनी हकीकत में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि गाय अब माता की बजाय अब एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, जिसे दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी भुनाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने तो चुनावी घोषणा पत्र में हर गांव में गौशाला बनाने का वचन भी दिया था। सरकार बनने के 9 महीने बाद भी हालत जस के तस है। रोड के बीचों बीच चौराहों पर और गलियों में भी गायों को देखा जा सकता है। जिस प्रकार शहर में पहले कुत्तों और सुअरों को दुत्कार कर भगाया जाता था, अब गली मोहल्लों में सड़कों पर गायों को भगाया जाता है। गौ माता का नाम बदल कर अब मवेशी हो गया है। उनके साथ आवारा नाम भी जोड़ दिया गया है। आम तौर की भाषा में अब आवारा मवेशियों के रूप में संबोधित किया जाने लगा है। इसी से परेशान होकर भैरवखेड़ी निवासी कल्याण दास जी महाराज 22 तारीख से अपने संरक्षण की मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी चरणों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य को गौर सत्याग्रह कर बैठेंगे। कुरवई से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखिए, साधारण सा उद्देश्य है, गाय हिंदुओं की नस है, हिंदुओं का हृदय है। आज गाय बहुत दुखी है, मारी जा रही है, बेमौत मारी जा रही है। इसका सिर्फ एक कारण है, उसकी भूमि थी जो संविधान ने उसको दिलवाई थी, चरणों की भूमि पे कब्जे हो गए। सरकार उसका मजाक बना रही है, कोई गऊ को गऊ मांस बना रहा है, कोई गऊ मजाक बना रहा है। महाराज जी की सीधी बात है, उसकी भूमि उसको दे दीजिए, कम से कम उसको खड़े होने जगह मिल जाए। आप शेड नहीं दे सकते, आपके पास पैसा नहीं है, ये बहानेबाजी छोड़कर आप उसकी भूमि छुड़वाइए जो गांधी जी आजादी के संग्राम सेनानियों ने उनको दिलवाई थी। आज उसी पे कब्जा हो गया है, वो आज उसके पास खड़े होने जगह नहीं है। हाईवे पे जा रही कुचल रही है, कह रहे हैं गाय को हम जंगल छोड़कर, गाय जंगली जीव नहीं है, उसको वहां पे बचा के लाया जाता था एक जमाने में। आज हमारी नगर पालिका, हमारी सरकार है, उसको जंगल फेंक रही है। ये पाप हो रहा है, इसको रोका जाए, बिल्कुल रोका जाए, तुरंत रोका जाए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी थी कि हर गांव में और ग्राम पंचायत में गौशाला बनाएंगे, क्या स्थिति देखते? देखिए, हमारी आशा सिर्फ जनता से है। हम कोई भी सरकार है, इससे कोई हमारी बैर नहीं, कोई हमारी कटुता से नहीं, उनकी अपनी मजबूरियां या जो भी हो, पर यह जीवन मरण का सवाल है। इसमें देरी होने से गाय आप देखिए बरसात में भीग रही है, भूखी खड़ी है, डंडे खा रही है, पिट रही है। कर्जा माफी रातों रात हो जाता है, 370 रातों रात हट जाती है, नोटबंदी रातों रात हो जाती है, तो फिर गाय के में इतना इंतजार इंतजार किस बात के लिए हो रहा है? और उसका भोग रही हो, जीवित जीव है, उसके ऊपर कष्ट आ रहा है, वो हमें खिलाती है पिलाती सब तो कर रही है। अगर आपको गाय की कीमत समझना है तो अपने मल का कंडा बनाइए, जलाइए, 10 घर बीमार करेंगे आप। गाय के गोबर से इलाज होता है, दूध से कैंसर का इलाज संभव है। अब कितना महत्व उसका बताएं, उसके पास ना नाखून है, ना दांत है, ना दौड़ सकती, वो अपना खुद की रक्षा नहीं कर सकती और पूरा जीवन देती है सबके लिए, उसके बाद वो बेसहारा होकर मर रही है। पाप नहीं है, महापाप हो रहा है। गौ सत्याग्रह के बाद क्या कदम उठाएंगे? देखिए, गौ सत्याग्रह का ये हुआ कि महाराज जी की बहुत नेक स्वभाव है, बहुत शांत दिल है, बहुत ही सज्जन व्यवहार रखते हैं। 5 दिन से मच्छर काट रहे हैं, अंधेरे में पड़े हैं, अपने गांव का पूरा कीर्तन भजन छोड़ के, मंदिर छोड़ के यहाँ पे शहर में आके पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब उन्हें मजबूरन सिर्फ कहते हैं, भगत सिंह जी ने कहा था बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके करना पड़ते हैं, तो अब ये धमाका कर रहे हैं। बेचारे अपने ऊपर ही जुल्म ढाके भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और गौ की गौ को हर पंचायत में गौशाला बना रही है, जबरन कब्जा करें वापस, गाय छोड़ देने चाहिए। गाय को तो भगा रहे हैं, गाय की चन्नोई पे कब्जा कर रहे हैं, तो गाय भगा रहे हैं तो बाकी चन्नोई भी छोड़ो। आगे क्या कदम होगा आपका? आगे यही होगा, अगर नहीं सुन रहे तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जाके बाद में नहीं सुन रहे तो फिर भगवान जाने क्या होगा, इसका कोई पता नहीं। पहले भी कोई गायों के संरक्षण के लिए उपाय कर चुके हैं? हाँ, कर चुके ने। 7 दिन हम भूख हड़ताल पर रहे थे, तब हमें आश्वासन दे दिया था कि शीघ्र से शीघ्र हटवा दें, तब ने मान ली बाबा थे। मानने के बाद में 1 साल गुजर गई, 1 साल के बाद में आवान द्वारा बदल दिया। हर ग्राम में मुख्यमंत्री को भी ऐसा इनपुट हो गया, हमारे पंचायत में हर ग्राम में गौशाला बनाएंगे अगर बन गए, हमारी सरकार बन गई तो बनवाने चाहिए।